नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिकोमेट्री के वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास डिस्कस किए जा रहे हैं। बहुत कुछ क्वेश्चन ट्रिकोमेट्री पर डिस्कस किए जा चुके हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पर देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ चार क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। दो क्वेश्चन जो होंगे वो फोर मार्क्स क्वेश्चन होंगे और दो क्वेश्चन थ्री मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और दो सॉल्व मैं करूँगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है सर। यदि आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है आरबी क्लासेस का, यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे आप डाउनलोड कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आरबी क्लासेस टाइप करिए तो मेरा ऐप मिल जाएगा जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है। उस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। उस ऐप में मैंने आपको तीन चैप्टर दे रखे हैं, उन तीन चैप्टर को करेंगे तो सभी क्वेश्चन जो तीन चैप्टर के उस चैप्टर से क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आने वाले समय में मैं आपको पांच सैंपल पेपर देने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। चलिए सर डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का। और ट्रिगोमेट्री का बहुत क्वेश्चन हमने करा दिए, लेकिन आज हम यही क्वेश्चन करेंगे और कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुझे कॉमर्स में बताएं आप कि आप मेरे से किस टॉपिक पर और बात करना चाहते हैं, पर मेरे हिसाब से ट्रायंगल ठीक रहेगा, है ना। नया टॉपिक ट्रायंगल मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी आप कॉमर्स में लिख सकते हो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, पॉज करके वीडियो देख लें, सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, है? और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, है? बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, हमारे पास बहुत समय है, लेकिन बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आपको गिवन है कोसेक ए प्लस कॉट इक्वल टू एम, और आपको प्रूव करना है कि एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन जो है वो कॉसेक इक्वल होगा। स्टूडेंट आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप एम की जगह पर ए पुट कर दें और नीचे एम जो भी है उसको ए पुट करेंगे। आपके पास है यहाँ एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन कितना है एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। आप एम की वैल्यू पुट करिए, एम की वैल्यू है आपके पास कोसेक ए प्लस कॉट ए होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन कोसेक ए प्लस कॉट ए होल स्क्वायर प्लस वन। इसे सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, कॉस ए आना चाहिए, ठीक है। यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टू कोसेक ए कॉट ए, ठीक है जी। और साथ में माइनस वन आएगा अपॉन नीचे आएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टू कोसेक ए कॉट ए प्लस वन आएगा, ठीक है। अब जरा यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, ठीक है। तो देखिए वन यहां पर प्लस का साइन है, ये प्लस और ये कॉट, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर। यहां पर सॉल्व करने पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, लेकिन यहां पर माइनस वन है तो माइनस वन के लिए क्या रहेगा कि इस वन को हम इधर ले जाएं तो यहां पर माइनस वन हो जाएगा। तो हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन को क्या ले सकते हैं, कॉट स्क्वायर ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए इसको और इसे मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो लिख लीजिए ऊपर कॉट स्क्वायर ए प्लस ये कॉट स्क्वायर ए रहेगा प्लस क्या रहेगा टू कोसेक ए इंटू कॉट ए रहेगा, समझ गया ना, ठीक। अपॉन यहां पर इन दोनों की जगह पर, इन दोनों की जगह पर आप क्या लिखिए, कोसेक स्क्वायर लिखिए। तो ध्यान रखिए ये आएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस टू कोसेक ए इंटू कॉट ए, ठीक है। इतना हो गया, ऊपर हो जाएगा टू कोसेक टू कॉट स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा टू कोसेक स्क्वायर ए। आप लिख लीजिए इसे टू कॉट स्क्वायर ए प्लस टू कोसेक कॉट ए अपॉन नीचे हो जाएगा टू कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू कोसेक कॉट ए, ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हो इस केस में,
आप क्या कर सकते हो, ऊपर से क्या कॉमा ले सकते हो, ऊपर से टू कॉट कॉमा ले सकते हो, नीचे से क्या कॉमा ले सकते हो, टू कोसेक कॉमा ले सकते हो। ले लीजिए टू कॉट ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। आपने टू तो कॉमन ले लिया, कॉट भी कॉमन ले लिया, और नीचे से आप क्या कॉमन ले लें, नीचे कोसेक कॉमन ले लें, टू कोसेक ए, ठीक है जी। और यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना, और अपॉन कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन ए, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो ऐसे लिख लें, कॉस ए अपॉन साइन ए और साइन ए अपॉन वन, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पर क्या आएगा, कॉस ए आएगा, यही आपकी राइट आंसर है। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको रियली समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कई बार, ध्यान रखें बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप वैल्यू पुट करें यहाँ पर जो भी कुछ दे रखा हो, और यहाँ पर इस तरह के कोई फॉर्मेट है तो यहाँ पर जो भी दे रखा है उसको पुट करें और ईमानदारी सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, आप 100% सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपसे थोड़ा सा अलग है, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। जरा एक बार इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए आप। ये 4 मार्क्स का बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वैसे आपके पास नहीं है, 11th क्लास में होता है फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी। हम इस फॉर्मूला का यूज 11th क्लास के अंदर करते हैं कि कॉस ए माइनस बी जो होता है वो हमेशा वो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है ना। 11th क्लास में आपको ये बताया जाएगा फॉर्मूला, वो कह रहा है कि ऐसा है, ये फॉर्मूला है, तो जरा बताइए कि साइन कॉस 15 क्या होगा, कॉस 15 क्या होगा। यदि आपके पास ए कितना है, 60 डिग्री है, और आपके पास क्या है, ये बी 45 है। कई बार आपका क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो सकता है कि वो खाली ये फॉर्मूला दे दे और आप में से यहाँ पर कोई एंगल नहीं दे, ठीक है, तो भी आपसे पूछ सकता है कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर ए क्या पुट करूँ, बी क्या पुट करूँ। तो आपका 2 केस बन सकते हैं, एक केस ये बन सकता है कि ए 60 पुट करें, बी 45 पुट करें तो 15 आ जाएगा। दूसरा केस ये बन सकता है कि इसे 45 पुट करें और इसे 30 पुट करें तो 15 आ जाएगा। उस केस में आपको दोनों केस लेके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर आपको ए 60 दे रखा है और क्या दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस 15 जो होगा वो कितना होगा, वो होगा कॉस 60 माइनस का 45। इस 15 को लिखा जा सकता है 60 माइनस 45, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस 60। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ए की जगह 60 पुट करिए और बी की जगह पर 45 पुट करिए, तो कितना आएगा, कॉस 45 प्लस साइन 60 और साइन 45, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। यदि आपके पास दूसरा केस यही बन सकता है कि आपके पास ए जो है 45 हो और बी क्या हो, 30 हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, जब आपको ये ए और बी नहीं गिवन होते और पूछता बताइए कॉस 15 क्या होगा, ठीक, और आपको ये फॉर्मूला जरूर लिखता वो कि कॉस ए माइनस बी क्या रियलिटी ये होता है। आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, यदि यहाँ पर प्लस होता है तो 75 पूछ सकता है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बनता है कॉस ए प्लस बी, वो भी देगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यह हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक है ना। यदि वो 75 पूछता तो ये फॉर्मूला लिखता, और 15 पूछ रहा है तो वो ये फॉर्मूला लिखेगा, राइट। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सबसे टेक्निकली बात आपको ये सोचनी पड़ेगी, यहाँ पर ए क्या पुट करूँ, बी क्या पुट करूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर ए और बी दे रखा है तो जो दे रखा है उसी को पुट कर देंगे, नहीं दे रखा होगा तो 2 केस बनाएंगे कि ए जब 60 है बी 45 है तब क्या होगा, और जब ए 45 है बी 30 है तो रिजल्ट क्या होगा। लेकिन आंसर दोनों केस में क्या आएंगे, सेम आएंगे। आप जानते हो कि साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये होती है 1/√2, है ना, याद ना टेबल, और प्लस ये होती है √3/2 और ये होती है 1/√2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2√2 और यहाँ से आ जाएगा 1+√3। तो आंसर क्या होता है, ध्यान रखना, कॉस 15 की जो वैल्यू आती है ऑलवेज वो आती है √3 + 1/√2, ठीक है। कई बार इस रिजल्ट को थोड़ा याद भी रख लो तो अच्छा रहेगा। कॉस 15 क्या होता है, कॉस 15 होता है √3 + 1/√2। कई बार क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा समझ जाए ना,
जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ जरूरत 10th क्लास में नहीं पड़ेगी, लेकिन आप समझ लीजिए cos 15 क्या होगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए 4 नंबर के। अब 3 नंबर के मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है, और जो आ भी चुके हैं, है ना, लेकिन उन क्वेश्चनों को आप जरूर सॉल्व करेंगे और उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। या तो कोई प्रॉब्लम और आती है ट्रिकोमेट्री पर, ठीक है, तो आप लिखिएगा, हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगले टॉपिक्स हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, ट्रायंगल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरम्स हैं, जो आ चुके हैं, उनको बताने की कोशिश करेंगे। वैसे ट्रायंगल पर हमने बहुत कुछ आपको बना रखा है, एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, उसका लिंक हम दे रखा है, जाके देख सकते हो ट्रायंगल के हमने क्या क्वेश्चन आपको बना रखे हैं, उनको एक बार जरूर देखिए और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए, ठीक है। मेरे कहने से ऐप को डाउनलोड कर लें, वो फ्री है अभी, उसकी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ सैंपल पेपर दूंगा तो मैं क्लियर बता दूं कि थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा चार्ज आपसे मैं लूंगा, शायद उतना आप जरूर पे कर सकते हो, मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्यों जो कुछ चीज़ दे रहा हूँ वो लाजवाब है, ठीक है ना। चलिए साहब इसे कॉपी करिए, उसके बाद दो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली आपको एक वीडियो में बताया था, ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप 100% सॉल्व कर पाएंगे, मेरा वो वीडियो आपने सीरियसली लिया होगा तो समझा होगा तो उसको, ठीक है। आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्यू दे रखी है, प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है 1/q होगा, और साथ में ये बताना है कि साइन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें दो क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है ना। अपने ख्याल रखिए और टेंशन नहीं लेना है, अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने मन लगा के पढ़ाई करेंगे। आपका पहला प्रीबोर्ड शायद स्टार्ट हो गया होगा, हो सकता है आपका एक ही प्रीबोर्ड हो, कुछ दिन बाद स्टार्ट हो, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी तरह मेहनत करने की कोशिश करिए, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान अच्छा करेगा, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।